फ्रेंड्स, जय माता दी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज लेकर आए हम बहुत ही सिंपल रेसिपी, और आज हम बनाने वाले हैं रोटी का समोसा। अगर आपको कुछ भी चटपटा खाने का मन करे तो आप ये हेल्दी समोसा बना के खा सकते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हम रोटी का टेस्टी नाश्ता बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए आप मैं वो बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम रोटी से बहुत ही हेल्दी वाला समोसा बना रहे हैं। आपने कभी खाया है? नहीं खाया तो इस रेसिपी को देख के जरूर बनाएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। तो उसके लिए मैंने ये क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए आपको एक बार वो बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 4 से 5 बॉइल्ड आलू लिए, उबाल लिए आलू को नॉर्मल है जैसे उबालते हैं। इसके बाद मैंने लिया आधा कटोरी मैदा, आधा कटोरी मैंने चीज लिया क्योंकि हम चीज वाला समोसा बना रहे हैं। बारीक कटा हुआ मैंने प्याज लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, हरी मिर्च लिए बारीक कटी हुई, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने लिए बारीक कटा हुआ मतलब दरदरा कूटा है लहसुन को, और ये फ्रेश मैंने रोटियां ली है। आप चाहे तो बची हुई रोटी का भी बना सकते हैं, लेकिन बची हुई रोटियों को वो टूट जाता है, सही से नहीं बनता, तो इसलिए मैं फ्रेश रोटी का बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छे से हो, इसमें बड़े बड़े कोई पीसेस ना हो। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारे आलू मैश हो गए हैं, और अब हम इसका आगे का प्रोसेसर करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पैन रख दिया और गर्म हो चुका है गैस पे, और इसमें हम डालेंगे ऑयल 2 बड़े चम्मच क्योंकि पहले हम मसाला तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच खड़ा जो धनिया होता है वो डाल रही हूँ, क्योंकि इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। समोसे में आपने अक्सर देखा होगा खड़ा धनिया रहता है ये, क्योंकि इससे टेस्ट ही काफी अच्छा आता है। आधा चम्मच मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ, आधा चम्मच से थोड़ा कम मैं यहाँ पे सरसों दाना डाल रही हूँ, और इन सारी चीजों को अच्छे से चटकने देंगे। ये सारी चीजों को मैंने अच्छे से भून लिया है, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग, हींग से काफी अच्छा टेस्ट आएगा समोसे में। और अब हम यहाँ पे डालेंगे लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सा भूनेंगे इस तरीके से। लहसुन को मैंने अच्छे से भून लिया है तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ प्याज, इसको भी भूनेंगे थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्च, और यहाँ पे मसाला ऐड कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम डाल रहे हैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, इस तरह से मिक्स कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला गरम मसाला, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अब आलू, आलू को इसमें डालेंगे पैन में, और अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, इस तरह से मैश करते हुए मिक्स करेंगे ताकि मसाला आलू में अच्छे से कोट हो जाए। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है 3 से 4 मिनट तक, और गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है। अगर आप हाई पे से भूनेंगे तो आपके आलू जल सकते हैं और मसाला कढ़ाई पे लग जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया ढेर सारा, और इन सारी चीज़ों को दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और मसाला हमारा रेडी हो चुका है तो हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है तो थोड़ा ठंडा भी हो चुका है, तो अब हम पहले ये जो हमने घोल लिया था मैदा लिया था, तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक थिक घोल बनाएंगे। बहुत पतला नहीं करना, थोड़ा सा थिक घोल बनाना है हमको। तो आप देख सकते हैं मैंने एक थिक घोल तैयार कर लिया है, कितना थिक हमें चाहिए। और अब हम रोटी की कटिंग करेंगे। रोटी को हमें पहले 2 पीस में काटना है, अगर आपके पास पिज्जा कटर है तो उसे भी काट सकते हैं, अगर नहीं है तो मेरी तरह चाकू से ही काटें। ये मैंने 2 पीस कर लिए हैं, और अब हमें पहले इसकी कोन बनानी है, जैसे कि हमारी उसकी कोन होती है समोसे की, इस तरह से हमें फोल्ड करना है यहाँ पे, और जहाँ पे आखिरी होगा वहाँ पे हमें इसे घोल को लगाना है।
जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी फोल्ड हो गई है, तो मुझे यहाँ पे घोल लगाना है कॉर्नर पे। उंगली से लगाएं, उंगली से बहुत ही अच्छे से लगेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है क्योंकि रोटी है, जल्दी से चिपकती नहीं है। और इस तरह से हमें इसे प्रेस करके रखना है ताकि जो रोटी है वो अच्छे से चिपक जाए। और आप देख सकते हैं रोटी हमारी बिल्कुल चिपक गई है। और अब हमें इसके अंदर मसाला भरना है, और आप देख सकते हैं कॉर्न बहुत ही अच्छे से मैंने चिपका लिए। थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा पेस्ट, तो आप अच्छे से इसे चिपका सकते हैं। और अब हमें इसके अंदर मसाला भरना है, तो पहले हम थोड़ा सा नीचे मसाला भरेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़, क्योंकि हम चीज़ वाला समोसा बना रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इसके अंदर चीज़ डालेंगे और इसके ऊपर हम फिर मसाला डालेंगे। इस तरीके से मसाला हमें थोड़ा थोड़ा भरना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि ये एकदम चिपकेगा नहीं समोसा। तो अब थोड़ा थोड़ा इसे भरें, और अब हम इसे यहाँ से पेस्ट लगा के बंद करेंगे। दोनों साइड लगाना है इस तरीके से। मैंने काफ़ी अच्छे से दोनों साइड अच्छे से घोल लगा लिया मैदा का, और अब हमें इस तरह से इसे प्रेस करना है, और थोड़ा सा हमें इसे प्रेस करके रखना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इस तरीके से तो आप देख सकते हैं समोसा हमारा रेडी हो चुका है रोटी का। और इसी तरीके से हमें पहले सारे समोसे को रेडी करना है, और इसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं सारे समोसे को मैंने अच्छे से फिल कर लिया इसके अंदर और अच्छे से बंद किया है। थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन अच्छे से बंद हो जाएंगे, आपको प्रेस करके रखने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे रेडी कर दिए। तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई करते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गैस पर रख दिया है, और तेल हमारा गर्म हो चुका है, और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे समोसे, एक एक करके डालना है, और इसे बहुत ही धीमी आंच पर सेकना है। जितनी धीमी आंच पर आप इसे सेकेंगे उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे। तो आप चाहे तो दो तीन एक साथ डाल सकते हैं, स्पेस के हिसाब से आप डालें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं समोसे का कलर हमारा चेंज हो गया, गोल्डन ब्राउन हो गया है, और काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। मैंने इसे काफ़ी देर तक इसे पलटा है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल रियल वाले समोसे लग रहे हैं। और अब हम इसे निकाल लेंगे, और कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसे निकालेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रोटी चीज़ समोसा हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से, और ये काफ़ी टेस्टी होता है। फ्रेंड्स अगर आपकी रोटी बच जाती है या आपका समोसा खाने का मन कर रहा है, हेल्दी खाने का मन कर रहा है, तो आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आई तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, अगर नहीं भी पसंद आई रेसिपी तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स रेसिपी बहुत 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 अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एंड शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आप देख सकते हैं समोसा कितना चीजी बना हमारा, ये देखिए बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, तो आप इसे जरूर ट्राई करें।